देखिए यहाँ पे हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 कोई कहता है स्लैंकी हैज प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्लैंकी एक प्रोड्यूस करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करता है। द वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड से वो ट्रेवल करता है। तो वी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, वो 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसको सेंटीमीटर से कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। तो 40 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ गया, 0.4 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, ये तो फ्रीक्वेंसी दे रहा था उसकी, सॉरी स्पीड दे रहा था। और कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज है, तो एफ इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज। वी इज इक्वल टू कितना, 0.4 आ गया मीटर पर सेकंड में। अब क्या कहता है, आपको फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी आपको दिया हुआ है। तो क्या आप कहना चाहता है कि व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, दो कंप्रेशनों के दरमियान में कितना फासला होगा। मिनिमम सेपरेशन, सेपरेशन कहते हैं डिस्टेंस को, कितना डिस्टेंस होगा बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। तो मैंने यहाँ लिखा मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, तो वो लैम्डा कहलाता है। जरूरी है कंप्रेशन हो, रियर फ्लेक्शन भी कह सकता है आपको, वो भी कह सकता है। लॉन्गिट्यूडनल है तो दो चीजें होंगी, कंप्रेशन या रियर फ्लेक्शन। तो अगर कंप्रेशन के अलावा चेंज कर दे सवाल में, यहाँ पे रियर फ्लेक्शन कर दे, तब भी बात यही रहेगी, लैम्डा ही मालूम करना है। फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू एफ लैम्डा। वी कितना है, 0.4 अभी निकाला हमने, उसको मीटर पर सेकंड किया। जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी वो 20 हर्ट्ज थी, 20 मल्टीप्लाई करें 20 जाकर डिवाइड करेगा, 0.4 को डिवाइड करें 20 से, वो लैम्डा आ जाएगा आपके पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ गया इसका, कहता है सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग, एक स्टूडेंट है वो जनरेट कर रहा है वेव्स को इन अ स्लिंकी, एक स्लिंकी के अंदर वो जनरेट कर रहा है वेव को। द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 40 सेकेंड। तो जो स्टूडेंट है वो बनाता है एक ऑसिलेशन बना लेता है, यानी कि इसको जनरेट कर रहा है, अब इसको लेके खींच के इसको यहाँ तक ले गया, जैसे ही छोड़ेगा तो यहाँ नहीं रुकेगा, वो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि एक कंप्लीट चक्कर करता है। द स्टूडेंट हैंड मेक्स वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 40 सेकेंड। तो कितना टाइम लेता है, यहाँ से गया और वापस आया, उसने 40 सेकेंड लिया। तो 0.4 सेकेंड को 0.40 बोलें या 0.40 बोलें, बात एक ही होगा। तो 0.4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 0.4 नहीं, 0.4 ये सेकेंड। ठीक है, इसने इतना टाइम लिया, इसका ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। एक्चुअली द वेव इन द वेव लेंथ इन द सिलिंकी इज 0.60 मीटर। तो वेव लेंथ कितनी है, वो 0.60 मीटर है। फॉर दिस वेव डिटरमाइन पीरियड फ्रीक्वेंसी और स्पीड, वेव स्पीड। अब मैंने यहाँ लिखा वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन टाइम, वो कितना है, वो 0.40 सेकेंड है, यानी कि यहाँ से गया और वापस आया, कितनी देर लगाया इसने, 0.4 लगाया अपना टाइम। वेवलेंथ ने दे रखी थी हमें, 0.60 मीटर थी। कहता है टाइम पीरियड बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए। ठीक है, कहता है टाइम पीरियड बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए और स्पीड बताइए। तो पहले पार्ट में हम यहाँ मालूम करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बराबर होगा तो वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन टाइम। तो फोर्थ और बैक का जो ऑसिलेशन टाइम है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। वो हमारे पास दे रखा था, गिविन था, 0.40 था, 0.4 के लिए वो आ गया, ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा फार्मूला हमारे पास है यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू 1/T। तो टी की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो टाइम पीरियड अभी निकाल रहा है 0.040। ठीक है, तो 1 को डिवाइड करेंगे, यही ये आ जाएगा 2.5 हर्ट्ज आ जाएगा। तीसरा फार्मूला हमारे पास है, वी इज इक्वल टू एफ इन टू लैम्डा। लैम्डा तो एफ बराबर 2.5 के, लैम्डा बराबर है 0.60 के। तो वेवलेंथ अपनी जगह पे, फ्रीक्वेंसी अपनी जगह पे मल्टीप्लाई किया तो 1.5 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये आपके हो गए 5 सवाल। देखिए इसका छठा सवाल क्या कहता है, कहता है इफ 80 कंप्रेशन पासिस थ्रू अ पॉइंट इन स्ट्रिंग इन 20 सेकेंड। अब कंप्रेशन कह रहा है कितनी, 80 कंप्रेशन बनती हैं जो गुजरती हैं किसी पॉइंट से स्प्रिंग के, कितनी देर में, 20 सेकेंड के। नंबर ऑफ कंप्रेशन आ गई, उसका टाइम टेकिंग आ गया, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी निकालना आसान है, यानी कि जो भी कंप्रेशन है उसको डिवाइड कर दो उसके टाइम पीरियड टाइम टेकिंग से, तो वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे टाइम पीरियड निकालना और भी आसान है। 1/T का 1/F कर दो, टी निकल आता है हमारे पास। इफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, अगर दो कंसेक्यूटिव जो कंप्रेशन हैं जो उनके दरमियान का फासला 8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इसको मीटर कर देंगे, ये वेवलेंथ आ गई आपके पास। कैलकुलेट स्पीड, स्पीड बताइए। तो नंबर ऑफ कंप्रेशन कितनी थी, वो 80 था। टाइम टेकिंग कितना, 20 सेकेंड था।
ठीक है, नंबर ऑफ कंप्रेशन देख लीजिए यहाँ पे कितना दे रखा है, वो नंबर ऑफ 80 कंप्रेशन थी, तो नंबर ऑफ कंप्रेशन 80 हो गया, टाइम टेकिंग 20 है, नंबर ऑफ कंप्रेशन 80 हो गया, टाइम टेकिंग 20 हो गया, फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए कह रहा है, वेव लेंथ मालूम करने के लिए, और टू कंसिक्यूटिव कंप्रेशन जो हैं वो लेमडा होती हैं, वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो 0.08 मीटर आ गया हमारे पास। स्पीड बताइए स्पीड क्या है, तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ कंप्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकिंग, तो देखें इसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने, एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकिंग, नंबर ऑफ कंप्रेशन 80 थी, टाइम टेकिंग 20 था, डिवाइड किया 4 हर्ट्ज आ गया। अब हमें मालूम करना है इसका दूसरा पार्ट जिसमें कहता है टाइम पीरियड बताइए, तो टाइम पीरियड हमारे पास बराबर होता है 1/f के, एफ कितना 4 निकाला, तो 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 0.25 सेकेंड आ गया। तीसरा फार्मूला हमारे पास जो कह रहा है वो कह रहा है स्पीड बताइए क्या है इसका, स्पीड होता है एफ इंटू लेमडा, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी 4 है, जो लेमडा है, जो वेवलेंथ है वो 0.08 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये एक सवाल था जिसमें कहा गया था कि 80 कंप्रेशंस हुई हैं 20 सेकेंड के अंदर, बताइए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका पीरियड क्या होगा, अगर दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है तो स्पीड बताइए क्या है। हमने पहले मालूम किया फ्रीक्वेंसी जिसमें नंबर ऑफ कंप्रेशन को डिवाइड किया टाइम टेकिंग से, तो फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक है। दूसरे में क्या किया, टाइम पीरियड तो 1/f के बराबर होता है हमारे पास। तीसरा फार्मूला वी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, ठीक है, ये हो गए 6 सवाल। अब सातवें पढ़ जाते हैं, कहता है वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल के अंदर एक वेव्स हैं प्रोपोगेट चलती हैं 8.90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये स्पीड आ गया, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 0.90, तो मैंने v इज इक्वल टू 0.90 मीटर पर सेकेंड लिख दिया, तो ये आ गई स्पीड आ गया बस। इफ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल, अगर आप स्प्लैश करते हैं किसी एक पॉइंट पर, एक हाथ मारते हैं पॉन्ड के एक किनारे पर, तो क्या होता है, ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड, मैंने फर्स्ट किया यहाँ पे स्प्लैश किया तो ये वेव यहाँ से बन के दूसरे एंड तक जाएगी एंड रिफ्लेक्ट, वहां जाकर टकरा कर रिफ्लेक्ट होगी एंड रिटर्न इन 30 सेकेंड, गई और वापस आई कितनी देर में, 30 सेकेंड में, तो ये क्या हो गया, ये टाइम टेकिंग हो गया इसका, ठीक है जी, टाइम टेकिंग इज इक्वल टू 30, लेकिन ये पूरा एक चक्कर हुआ तो नंबर ऑफ साइकिल कितना हो लिखा मैंने 1 लिख दिया। हाउ फार अवे इज द अदर एंड ऑफ द पूल, ये कितना फासला हुआ यहाँ से यहाँ तक, इस एंड से उस एंड तक, यानी कि वो वेवलेंथ ही होगी हमारे पास यहाँ पे, वो लैम्डा मालूम करेंगे यहाँ से, तो वी इज इक्वल टू 0.90 मीटर पर सेकेंड था, नंबर ऑफ साइकिल एक चक्कर लगा और एक चक्कर में टाइम कितना लिया, वो 30 सेकेंड लिया, तो उसमें कहा था उसने हाउ फार अवे द अदर एंड, कितना दूर है दूसरा एंड, तो वो उसकी वेवलेंथ हो जाएगी वहाँ से तक की डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल डिवाइड बाई टाइम टेकिंग, नंबर ऑफ साइकिल में कितना चक्कर, एक ही चक्कर लगा गया और वापस आया तो 1, टाइम टेकिंग कितना 30 सेकंड, तो डिवाइड करेंगे इसको 1 को 30 से तो 0.033 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी से वो गया है। अब उसका वहाँ तक का जो फासला होगा वो वेवलेंथ के लाएगा हमारे पास, तो वी इज इक्वल टू एफ इन टू लेमडा, वी हमें दे रखा था 0.90 दे रखी थी स्पीड, फ्रीक्वेंसी भी हमने अभी निकाला 0.033 निकाला, लैम्डा मालूम करना है, मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, डिवाइड करेंगे 0.90 को 0.033 से तो आएगा 27.27। तो उसने यही कहा था हमें हाउ फार अवे इज द अदर एंड ऑफ द पूल, पूल का दूसरा एंड कितना दूर होगा, तो उसके हमने एक वेवलेंथ के जरिए फार्मूला निकाल लिया, ठीक है जी। उसके बाद का 8th क्वेश्चन है, अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडोलम, ठीक है, और पेंडोलम दिया हमारे पास, हैज लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर, वही वाली बात की ये लेंथ जो है इसकी पेंडुलम की कितनी है, वो 80 सेंटीमीटर दे रहा है, तो सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एल इज इक्वल टू स्मॉल एल लिखते हैं 80 सेंटीमीटर, 80 को डिवाइड किया 100 से तो मीटर बन गया। तो कहता है एक सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम था जिसकी वेवलेंथ, इसकी जो सॉरी लेंथ थी, इसकी जो लेंथ थी हमारे पास वो 80 सेंटीमीटर थी, कैलकुलेट पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, जी जो है 9.8 है, जब पीरियड मालूम करना होगा उसको कैपिटल टी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ है, पाई की वैल्यू हम याद रखेंगे 3.141 होती है, फार्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल एल ओवर जी, टू अपनी जगह पाई की जगह पाई की रख दी, एल कितना है 0.8 था, जी कांस्टेंट होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, 9.8 को डिवाइड किया
9.8 से तो 0.08 16 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6.282 आ गया। ठीक है जी, ये 6.282 अपनी जगह रहने दें, इसका रेडिकल निकाल दें तो 0.2856 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.794 आ गया। ये आ गया इसका टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड आ गया तो दूसरा पार्ट की रहा था हमें बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी रहा होता है 1/ टाइम पीरियड के। ठीक है, ठीक है, जल्दी 1.794 डिवाइड करेंगे तो 0.557 आ गया हमारे पास हर्ट्ज। देखें आपकी प्रॉब्लम्स हो गई पूरी। थैंक यू सो मच, आपको हो सब समझ में आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।